हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक नई एमनेस्टी स्कीम को लागू किया गया है। 2023 में ये इंट्रोड्यूस की गई है। पहले आप समझ लीजिए कि वो कौन कौन से ऐसे एसएससी है जिसमें कवर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एमनेस्टी स्कीम है 2023, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। और जो ये एमनेस्टी स्कीम है, इसको यहाँ पर बोला जा रहा है महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ एरियर ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस एक्ट 2023, इसके अंडर में एमनेस्टी स्कीम आई है। तो यहां पर ये ऐसा नहीं है कि यहां पर जो वेवर की बात की गई है, कंप्लीट वेवर ऑफ एरियर्स इन केसेस वेयर एरियर्स ₹2 लाख, तो ये जीएसटी के एरियर्स की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल डीलर्स विल बी बेनिफिटेड इन अराउंड 1 लाख केसेस। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये जो जीएसटी एमनेस्टी नई वाली स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई है महाराष्ट्र बजट में, वो की गई है यहां पर कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो अदर टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले वैट लगा करता था, बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी के आने से पहले, जैसे जीएसटी एक्ट 2017 में आया था, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया जीएसटी एक्ट, उससे पहले के लिए जो भी केसेस पेंडिंग है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एमनेस्टी स्कीम विल बी फ्रॉम 1 मई 2023 टू 31 अक्टूबर 2023। तो इसके लिए जो स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो ये रहेगी। ये बात तो पक्की है कि एमनेस्टी स्कीम है, और उसमें जो है यहां पर एरियर्स की भी बात की गई है। 2 लाख रुपए तक के एरियर जो है उनमें यहां पर वेवर कर दिया जाएगा। पर ईयर ये काउंट होगी 2 लाख की लिमिट, तो इसकी वजह से काफी सारे डीलर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा। क्योंकि जैसे पहले सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट था, वैट डिपार्टमेंट थे, उन सबको मर्ज करके यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो जीएसटी आने से पहले के लिए जो केसेस हैं और जो टैक्सेस, वेरियस टाइप के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, लेवी किए जाते थे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि अब ये जो डिपार्टमेंट है उनका भी यहाँ पर माइग्रेशन हो चुका है, तो उन्हीं के लिए ये एमनेस्टी स्कीम आई है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी में जो अभी जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई आपको अलग से कोई वेवर दिया गया है या पर्टिकुलर स्टेट के अंडर में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कि जो जीएसटी एक्ट है वो सेंट्रल एप्लीकेबल है और वो डुअल मोड में यहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट। तो उसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कीम के द्वारा यहाँ पर जो इसकी जीएसटी काउंसिल है उनसे डिसीजन फाइनल होने के बाद, उसमें सभी के यहाँ पर हर स्टेट के मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, तब जाके कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि यहां पर अगर वेवर दिया जाएगा तो वो यूनिक सभी स्टेट्स में, सभी यूटीज में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई स्टेट जो है वो जीएसटी के जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी के आने के बाद 1 जुलाई 2017 के बाद, वो जीएसटी के किसी प्रोविजन में अलग से एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड करे। बट यहां पर जो ये पावर दी गई है, ये इन्होंने अपनी पावर को यूज करते हुए जीएसटी एक्ट आने से पहले और जो वेरियस टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे केवल उन्हीं के लिए यहां पर इन्होंने छूट दी है। डीलर्स हैविंग एरियर्स अप टू ₹50 लाख और लेस पर स्टेचुरी ऑर्डर विल पे ओनली 20% अमाउंट एंड द बैलेंस 80% विल बी वेव्ड। एज ए रिजल्ट मीडियम डीलर्स विल बी बेनिफिटेड इन अराउंड 80,000 केसेस। तो यहां पर जो डीलर्स हैं उनको यहां पर छूट दी जा रही है, लेकिन लिमिटेड पर्पज के लिए। ये वेरियस टैक्सेस, ये महाराष्ट्र के जो एक्ट है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्न है, ये काफी सारे टैक्सेस हैं। मैंने वैट और सर्विस टैक्स का आपको एग्जाम्पल लिया, इस टाइप के और भी लोकल टैक्सेस हो सकते हैं, उस केस में यहां पर रिलैक्सेशन दी गई है। तो जब तक कोई भी नोटिफिकेशन सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आए, ये सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट आप खुद से चेक कर लीजिएगा, इस पर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तो कोई भी स्कीम लागू नहीं होगी, कोई भी एमनेस्टी स्पेशल किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी लागू नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो यूनिफॉर्मिटी के साथ ही लागू होगी। एक्सेट्रा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी ऐसी फेक न्यूज पर आपको बिलीव नहीं करना है कि अब जीएसटी में एरियर जो है वो वेव हो जाएंगे, जब तक कि आप खुद से वेरीफाई ना कर लें। ठीक है, इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं जीएसटी के, इनकम टैक्स के। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा।